नांदेड़ वाघाला शहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर अहदे पर यूथ लीडर अब्दुल गफ्फार का आज रस्मी तौर पर इंतखाब अमल में आया। कॉरपोरेशन के शंकरराव चौहान सभागृह में आज पीठासीन अधिकारी तथा जिला अधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने अब्दुल गफ्फार की नामजदगी का ऐलान किया। सबसे कम उम्र में डिप्टी मेयर का अहदा हासिल करने का शर्फ पाने वाले अब्दुल गफ्फार को सियासी व समाजी जिंदगी का तवील तजुर्बा हासिल है। साबिक मेयर अब्दुल सत्तार की जेर सरपरस्ती गुज़िश्ता 18 सालों से अब्दुल गफ्फार कांग्रेस पार्टी के बैनर तले समाजी व सियासी तौर पर अवाम के दरमियान खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब्दुल गफ्फार ने साल 2004 में सरगर्म तौर पर सियासत में हिस्सा लिया। साल 2004 में इन्हें पहली मर्तबा कांग्रेस पार्टी ने प्रभाग प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया था। इसके बाद साल 2006 में वो सिटी ब्लॉक सदर बने और साल 2013 से 14 और साल 2017 से 21 के दरमियान यूथ कांग्रेस नांदेड़ हलके जनूब सदर अहदे पर फायज रहते हुए पार्टी के लिए मुस्बत खिदमत अंजाम देते रहे। इसी दरमियान साल 2019 में प्रभाग नंबर 13 में हुए ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी और अशोकराव चौहान ने अब्दुल गफ्फार पर भरोसा करते हुए इन्हें इस हलके से उम्मीदवारी दी और इस भरोसे पर खरा उतरते हुए अब्दुल गफ्फार ने जोन नंबर 13 से MIM के उम्मीदवार को 1888 वोटों से शिकस्त देकर अपना सियासी लोहा मनवा लिया। भले ही अब्दुल गफ्फार पहली मर्तबा कॉरपोरेटर मुंतखब हुए हों, लेकिन इनका सियासी व समाजी तजुर्बा किसी भी तजुर्बेकार सियासतदान से कम नहीं। अब्दुल गफ्फार की डिप्टी मेयर अहदे पर नामजदगी को लेकर नौजवाना ने नांदेड़ और खुसूसन मुहिब्बा ने कांग्रेस में मसर्रत की लहर है। सबसे पहले मेरे नेता अशोकराव जी चौहान साहब, माजी पालक मंत्री DP सावंत साहब, आमदार अमरनाथ जी रादुरकर, दक्षिण के आमदार मोहनन्ना हंबर्डे, महापौर ओळेताई, माजी उपमहापौर मसूद अहमद खान, स्थायी समिति के माजी सभापति वीरेंद्र सिंह जी गाड़ीवाले, सभागृह नेता कनक डंडे साहब, महिला बाल कल्याण सभापति, उपसभापति, माजी आजी सभी नगरसेवक और मेरे सहकारी युवक कांग्रेस के सभी मेरे सहकारी जिलाध्यक्ष पप्पू पाटिल कोंडेकर, शहर जिलाध्यक्ष विठल पौड़े, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसी भाभी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्यों कि आज मुझे महानगर पालिका के उपमहापौर पद पे काम करने का मौका दिया। तहे दिल से मेरी पूरी टीम का, मैं जूनियर हूँ, मेरे सब सीनियर कॉरपोरेटर है, मुझे साथ में लेके चलेंगे और शहर के विकास डेवलपमेंट के बारे में जो भी रहेगा सबके साथ मिलके हम काम करेंगे। आज तक ऐसा हुआ है कि जो सीनियर लोग आप इस पोस्ट पर रहते थे, इसलिए यंग जनरेशन को उतना ये नहीं मिलता था। आप यंग जनरेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे नेता ने मुझ पर विश्वास करके, जिस तरह से कहा जाता ना मैच में पावर प्लेयर जो रहते लास्ट के 10 ओवर, वैसा मेरे पास 10 महीने हैं। इंशाल्लाह मैं 10 महीने में किसी को नाराज नहीं करते हुए शहर का विकास डेवलपमेंट करते हुए 10 महीने में मैच जीत के बचेंगे इंशाल्लाह। यंग जनरेशन के लिए क्या करेंगे? यंग जनरेशन के लिए जो भी मुझसे होगा, जिस तरह से महानगर पालिका में जो भी मसाइल रहते, मूलभूत सुविधा है वो है, यंग जनरेशन के लिए उनके जो भी मसाइल रहेंगे उसके लिए सबसे आगे आएंगे आगे में। और महानगर पालिका की जो शाला है, एजुकेशन है, वो डिजिटल करने का मेरा एम है।